नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीम सिटी लाइव और मैं मुखर कविता जयपुर से आपका अभिनंदन करती हूँ। पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की इस 73वें वर्षगांठ पर अभिनंदन करती हूँ और 74वें वर्ष पे के प्रवेश द्वार पर खड़े हम पूरे उत्साह, जोश और ऊर्जा संग कहना चाहते हैं, मेरा भारत मेरा अभिमान, जननी जन्मभूमि मां भारती तेरी जय हो। स्वाधीनता दिवस पर मित्रों, सिटी लाइव लेकर आया है आपके लिए देशभक्ति के भाव से सराबोर एक जोशीली शाम। तो आइए इस जश्न में हम डूब जाएं। देखो यारों, यह झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल है सारा। कार्यक्रम शुरू करूं और आपको अतिथियों से मिलाऊं, उसके पहले मैं मशहूर शायर राहत इंदौरी जी की दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। ऐ जमीन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएं, ऐ जमीन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। आइए दोस्तों, आज की जो ये शाम है, इसको आज हमारी जो मंच है, जो समृद्ध मंच है, इसमें कौन कौन है, आज के जो अतिथि कौन कौन है हमारे बीच में, मैं आपको इन सब से एक बार मिलवाती हूँ। हमारे बीच भरतपुर से है अभिषेक अमर जी हैं, जो कि एक युवा वीर रस के कवि हैं। और जयपुर से हमारे बीच अनु सोगानी जी हैं, हमारे बीच सुनीता बिश्नोलिया हैं जयपुर से, वरिष्ठ कवि कविवर किशोर पारी किशोर जी हैं, जो कि एक वंदे मातरम, वंदे मातरम। वरिष्ठ कविवर किशोर कुमार किशोर पारी जी से आप मिले अभी। और हमारे बीच मृदुला जी जुड़ी हैं कलकत्ता से, मृदुला कोठारी जी हैं। सुरेंद्र सार्थक जी जुड़े हैं हमारे बीच दीक भरतपुर से। संजय शुक्ला जी जुड़ रहे हैं हमारे बीच कोटा की धरती से। और श्रेणी दानचरण जो वयोवृद्ध कवि हैं, आप उदयपुर से जुड़े हैं। और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं श्रीमान ओम पाल सिंह निडर, जो कि एक बहुत ही ख्यातनाम कवि हैं और उनसे आप सभी जने परिचित हैं। मैं आप सभी का टीम सिटी लाइव के इस मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं अब आज के जो पहले जो कवि हैं अभिषेक अमर वीररस जी, उनका मंच में स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें और आज के कार्यक्रम जिस प्रकार से दर बाय दर चलेगा, उसमें हम अंतिम पायदान तक चलेंगे। तो हमारे बीच आ रहे हैं अभिषेक अमर वीर रस के कवि। अभिषेक जी, आपका माइक अनम्यूट करें। हमारे वरिष्ठ कवि आकर हमारे लहरा पाया लाल किले पर, क्या क्या हमें बलिदान देना पड़ा, कितनी कलियां और भाई तब कहीं एक उमंग खिल पाया, कितनी कलियां और भाई तब कहीं एक उमंग खिल पाया, बहनों ने राखी तोड़ी सुहागनों ने बिंदू लौटाया, लोके 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 माताओं ने आके और जाकर के अमर किराना लाल किले पर लिया, और कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। अभिषेक जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी। मुझे लग रहा है कि आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर है, तो मैं तब तक अन्य कवियों को ले लेती हूँ और उसके बाद जब शांत हो जाए तो आप इशारा कर दें, मैं आपको फिर, क्योंकि आपकी अच्छी अच्छी कविता हम सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच जयपुर से अनु सोगानी जी हैं। आप मुख्यतः एक जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा अपने वास्तुशिल्प और डिजाइनिंग फॉर्म के निदेशक हैं। आपको इन कार्यों के लिए बुलेटिन डे वुमेन प्रोग्रेसिव अवार्ड तथा मरुधरा महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। संवेदनशील मुद्दों और मानवीय भावनाओं पर लघु कविताएं करने का आपको शौक है और आप अब मंच पर आमंत्रित हैं कि देशभक्ति पे आप क्या लिख रही हैं, आप सुनाएं। अनु सोगानी जी, बहुत धन्यवाद टीम सिटी लाइव और सेवा सिटी का आज स्वतंत्रता दिवस की इस संध्या को और ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए।
मैं टीम सिटी लाइव का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया इस मंच पे मुझे देश के इतने वरिष्ठ और इतने नामी कविगणों के साथ मंच साझा करने का मौका मिला। आजादी मिली हमको सन 47 में, तब से लेकर सन 47 से लेकर और हाल ही में उरी और पुलवामा तक हमारे देश को हमारे पड़ोसियों से न जाने कितने अनगिनत जख्म देने की कोशिशें की गई, नाकाम कोशिशें की गई, हमारे वीरों ने उनका हमेशा मुंह तोड़ सरहद पे जवाब दिया है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भारत देश है जहां पर हवा बहती है पुरवाई, ये पुरवाई शांति और शीतलता का भाव रखती है। आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं अनुजी, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि भूमिका बहुत छोटी सी हो, क्योंकि हमारे बीच बहुत समृद्ध मंच है, हम बहुत खुश होने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्षमा चाहूंगी इसके लिए। मेरी ये कविता इस पुरवाई की शीतलता से और हमारे इन जख्मों से ही रिलेटेड है। कविता का शीर्षक है, इस बार बही तो पुरवाई। उस पार से आने वाली हवाएं हर बार मातम ही है लाएं, उस पार से आने वाली हवाएं हर बार मातम ही है लाएं। कह दो नापाक इरादों वाले मुल्कों से, कह दो नापाक इरादों वाले मुल्कों से, इस बार बही जो पुरवाई पैगाम तबाही का है लाई, इस बार बही जो पुरवाई पैगाम तबाही का है लाई। भूल गए तुम 65 की जंग या 71 का अपना अंग भंग, भूल गए तुम 65 की जंग या 71 का अपना अंग भंग, 99 में आई मात और ताजा ताजा उरी जवाब, लेकिन तेरी फितरत में है घात। अच्छा। बात बनी न जब वर्दी वालों से, बात बनी न जब वर्दी वालों से, हाथ मिला लिया आतंक वालों से, अपनी नाकामी का बदला तूने लिया मेरे देश के लालों से, अपनी नाकामी का बदला तूने लिया मेरे देश के लालों से, जिसमें तेरी कायरता दिखती है, जिसमें तेरी बर्बरता दिखती है। तू बेपरवाही में खो मत जाना, तू बेपरवाही में खो मत जाना, चैन की सांसें लेकर सो मत जाना, देख रही है दुनिया सारी हम भी कर रहे हैं तैयारी, देख रही है दुनिया सारी हम भी कर रहे हैं तैयारी, तूने 40 वीर हैं मारे अभी 125 करोड़ सर हैं हमारे, कितनों को तू काटेगा कितनों को तू मारेगा, जिहाद नाम पर जो बंदूक उठाएगा, जिहाद नाम पर जो बंदूक उठाएगा वो बस मारा ही जाएगा, ऐसे पाप को बोझक भी ठुकराएगा। करवट बदल रही है फिजा, पैगाम लेकर चली हवा, करवट बदल रही है फिजा, पैगाम लेकर चली हवा, वतन मेरा आबाद रहेगा नापाक मंसूबे बर्बाद करेगा, तो याद रहे इस बार बही जो पुरवाई पैगाम तबाही का है लाई, इस बार बही जो पुरवाई पैगाम तबाही का है लाई। धन्यवाद। वंदे मातरम। अनु जी, आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, और जो ये जिहाद है या किसी प्रकार का भी आतंक है, आतंकवाद क्रियाएं हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगी। एक देश के लिए सम्मान और शान ज्यादा और अधिक जरूरी है। देश तभी स्वतंत्र रहता है और सभी तभी विकास करता है, तभी वह संप्रभुता पर अडिग रहता है। मैं अपने आज के मंच की अगली कवित्री सुनीता बिश्नोलिया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी विधाओं में अपना कलम चलाती हैं, चाहे कविताएं हैं, कहानियां हैं, लघु कथा है, लेख है, संस्मरण है, डायरियां हैं, आप सभी विधाएं लिखती हैं, परंतु दोहे और छंद में आपको महारत हासिल है। गुलाबी नगर की आप एक उभरती लेखिका हैं, विभिन्न साहित्यिक मंचों से आप पुरस्कृत हैं, श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान से भी सम्मानित हैं आप, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह और राजस्थानी संग्रह तो है ही है आपके, आप विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी कर चुकी हैं। मैं सुनीता बिश्नोलिया, जो मेरी प्रिय सखी है, आमंत्रित करती हूँ मंच पर आज एक देशभक्ति रचना सुनाने के लिए। स्वागत है आपका मंच में। बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, टाइमली सिटी लाइव, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए अपना अपनी कविताएं हैं, सबसे पहले मैं मुक्तक सुनाना चाहती हूँ। आपने मुझे कहा कि सरस्वती वंदना भी करनी है, तो मैंने कुछ दोहे निकाले उसके लिए, तो कोई बात नहीं, मैं अभी एक दो मुक्तक सुना देती हूँ। सबसे पहले, अश्रु आंखों में भर हम भर लें याद उनको जरा कर लें, अश्रु आंखों में हम भर लें याद उनको जरा कर लें, वतन पर मिट गए हैं जो, वतन पर मिट गए हैं जो, आओ उनको अमर कर दें। खानी सौगंध अब होगी, खानी सौगंध अब होगी, पलट कर वार करना है, खानी सौगंध अब होगी, पलट कर वार करना है, शहीदों की चिताओं से दिल में अंगार भरना है, शहीदों की चिताओं से दिल में अंगार भरना है। तो मैं अपना अगला मुक्त सुनाती हूँ। मैं भारत, मैं अपने आप को भारत मानकर अपने मन की बात मैं आप लोगों से कहती हूँ। कहता हूँ सुनो अपनी जुबां बातें वो पुरानी, कहता हूँ सुनो अपनी जुबां बातें वो पुरानी, मेरी खुशियां मेरी मुस्कान है शहादत की निशानी, मेरी खुशियां मेरी मुस्कान है शहादत की निशानी। मैं अपने सांसों को हंसते हुए, वो अपने सांसों को हंसते हुए मेरे नाम कर गए, अपने वीरों की सुनाता हूँ तुम्हें अपनी अजब कहानी, अपने वीरों की सुनाता हूँ अजब सुनना कहानी। तो भारत अगली पंक्तियों में कहते हैं, मेरी हस्ती जरा देखो मेरी मस्ती जरा देखो, मेरी हस्ती जरा देखो मेरी मस्ती जरा देखो, हिमालय है मुकुट मेरा बहती गंगा जरा देखो, हिमालय है मुकुट मेरा बहती गंगा जरा देखो। मैं भारत हूँ गर्व मुझको शौर्य संतान से मेरी, मैं भारत हूँ गर्व मुझको शौर्य संतान से मेरी, है लहराते तिरंगे से शान मेरी जरा देखो, है लहराते तिरंगे से शान मेरी जरा देखो। तो ये तो थी भारत की बात। तो अब भारत ने किस तरीके के दौर देखे ये भी मैं अभी बात मुक्तक में ही करना चाह रही हूँ। रंग सपनों में भरने को दौर मुश्किल भी देखे हैं, रंग सपनों में भरने को दौर मुश्किल भी देखे हैं, आंच संघर्ष में तपकर बनते कुंदन भी देखे हैं, आंच संघर्ष में तपकर बनते कुंदन भी देखे हैं। मुश्किलों से न डरते हैं टकराते हराफत से उबलते रक्त में वीरों के उबाल देखे हैं। अब एक मुक्तक और, बसंती रंग राहों में फिजाएं भी बसंती है, महक है रक्त की हर सू दिशाएं भी बसंती है, जज्बा आकाश से ऊंचा चीर पर्वत को देते हैं, देश के भाल पर शोभित तिरंगा ये बसंती है। जब मैं बात करती हूँ तिरंगे की, तो तिरंगे के संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहूंगी। तो देख तिरंगा मन में उमड़ता संकल्पों का सागर, देशभक्ति के भाव भरी है हर जन मन की गागर, रंग उठाते हैं हर दिल में भावों के तूफान, तीन रंग का यही तिरंगा देश की है पहचान। शौर्य गीत वीरों के केतु लहरा करके गाए, शानमान अभिमान देश के वैभव गान सुनाए। केसरिया बाना धरकर हर वीर समर में जाता, अंबर तक के शौर्य पताका जमा देश का फहराता। काली करतुत शत्रु की ना देख हृदय घबरा जाए, देख रिपु की कुटिल चाल ना आंखों में रक्त उतर आए। श्वेत शांति ये विजय पताका उत्साह हृदयों में भरकर परचम देश का फहराती है लहर लहर लहराकर। सत्यनायके हेतु पताका पवन संग इतलाती शांत पहचान देश की हिमगिरी संग बतलाती। वैभव और सौरभ बिखराते बहुग्राम तिरंगे के नीचे
है विपुल अन्न भंडार देश में, गंगा धरती को सींचे है गंगा धरती को सींचे, फहराए यूं ही ये तिरंगा, फहराए यूं ही ये तिरंगा, इससे है सम्मान तीन रंग का यही तिरंगा, तीन रंग का यही तिरंगा, देश की है पहचान, देश की है पहचान, देश की है पहचान। एक बहुत ही एक कविता छोटा सा गीत मैं सुना दूं, गाऊंगी नहीं बस सुना देती हूँ अगर टाइम है तो। बस आप समय की सीमा का ध्यान रखेंगी। हाँ, भूले द्वेष दंभ को त्यागे बस छोटी सी आशा है, भूले द्वेष दंभ को त्यागे बस छोटी सी आशा है, एक रहिए भारत अपना, मेरा ख्वाब जरा सा है, मेरा ख्वाब जरा सा है, गीत प्रीत के गूंजे हरसू, गीत प्रीत के गूंजे हरसू, मधुर रागिनी बजने दो देशभक्ति के मधुर तरानों, वाली महफिल सजने दो, वाली महफिल सजने दो, भिन्न भिन्न परिवेश यहाँ पर, भिन्न भिन्न परिवेश यहाँ पर, भिन्न हमारी भाषा है, एक रहे ये भारत अपना, मेरा पहचान देश की, मेरा रंग बदलाती, रंग की रंग बदलाती, रंग की मधुर तरानों, वाली में बिखराने दो, वाली महफिल सजने दो, भिन्न भिन्न परिवेश यहाँ पर, भिन्न भिन्न परिवेश यहाँ पर, भिन्न हमारी भाषा है, एक रहे ये भारत, बसवा का गौरव भारत की परिभाषा है, एक रहे ये भारत अपना, मेरा ख्वाब जरा सा है, मेरा ख्वाब जरा सा है, शिक्षा के आलोक से हमको जग अंधियार मिटाने दो, बस श्रेष्ठ जगत में हो भारत, बस श्रेष्ठ जगत में हो भारत, कर्मों से बतलाने दो, कर्मों से बतलाने दो, वीर सपूतों की ये धरती करती हमसे आशा है, बंद करो, वीर सपूतों की धरती करती हमसे आशा है, एक रहे ये भारत अपना, मेरा ख्वाब जरा सा है, मेरा ख्वाब जरा सा है। धन्यवाद। दो आपने बहुत ही खूबसूरत कविताएं सुनाई, लेकिन आपने इतने समय में बहुत सारा कुछ कंप्रेस कर दिया। खैर, बलिदानों की जो आपने याद दिलाई है वो बहुत जरूरी थी, और ये मेरा ख्वाब जरा सा तो चाहिए ही। मगर दोस्तों, अब आपके बीच एक वरिष्ठ कविवर आ रहे हैं, आप ही के पसंदीदा किशोर पारी किशोर जी, जो कि वरिष्ठ तो हैं मगर उनका हृदय देखें तो बहुत ही किशोर है। वो राजकीय लोक प्रशासन में आप पुस्तकालय अध्यक्ष तो है ही, आपके गीतों में पहले देश आता है, आपकी की चार पंक्तियों के साथ में आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आजादी हित फांसी खाई श्री राधे, उनकी यादें हैं बिसराई श्री राधे, नमन हजारों वीर शहीदों को मेरा, नमन हजारों वीर शहीदों को मेरा, मेरी आंखें भर आई श्री राधे। वैसे आपका परिचय बहुत कुछ है, आप जगासा के संस्थापक हैं, आप राष्ट्रीय काव्य संगम के, आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं आपके इतनी लंबी चौड़ी परिचय देने के बजाय मैं आपको ही मंच पर आमंत्रित करना पसंद करूंगी। किशोर पारिक जी, आप मंच पर आइए और अपने रचनाओं से हमें अभिभूत करें। वंदे मातरम सभी मित्रों को। कविता जी ने श्री राधे छंद से मेरा परिचय कराया, विशेष रूप से लगभग 9 वर्षों से मैं ये श्री राधे छंद कुछ आपने पढ़ दिए, एक दो छंद में मेरी जहां भी आरंभ करता हूं कविता की, यहां हमारे कविता के बहुत बड़े बड़े पुरोधा विराजमान है, मैं नमन करता हूं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को। कविता जी, शायद आपको पता नहीं है, ओमपाल सिंह निडर इस देश की वो शख्सियत है जिन्होंने वो नारा दिया था कि सौगंध राम के खाते हैं हम मंदिर यहीं बनाएंगे, और वो नारा पूरे देश के सभी करोड़ों लोगों के जज्बात उसने पैदा किए, बहता है, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और बहुत ही एक चर्चित व्यक्ति है। खैर, मैं बिना किसी भूमिका के अपना जितनी राधे दो छंद जरूर पढ़ूंगा, कुछ एक तो पढ़ दिया कि आओ हम सब जश्न मनाए श्री राधे, आओ हम सब जश्न मनाए श्री राधे, वंदे मातरम सब मिल गाए श्री राधे, जिनकी कुर्बानी से आजादी पाई, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाए श्री राधे, शब्द सुमन कुछ उन्हें चढ़ाए श्री राधे, तो देश भक्ति में सने हुए हैं श्री राधे, देश भक्ति में सने हुए हैं श्री राधे, किस मिट्टी के बने हुए हैं श्री राधे, सर्दी गर्मी बरसा में अपने सैनिक, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे, सीमाओं पर तने हुए हैं श्री राधे। और दो ताजा ताजा मुक्तक मैंने लिखे हैं, तहत में ही मैं अभी पढ़वाऊंगा कि मेरी कलम नहीं गढ़ पाती सुंदरता की परिभाषा,
मेरी कलम नहीं गढ़ पाती सुंदरता की परिभाषा, धरती माँ के गान लिखूं मैं मात्र यही है अभिलाषा, एहसान उतारूं कैसे उनका जो भारत के लाल रहे, ऋण मुझ पर उन पुरखों का खुद मिटे देश खुद खुशहाल रहे, खुद मिटे देश खुशहाल रहे, और दिल के अंदर हरदम मेरे पुष्प राष्ट्र का खिलता है, दिल के अंदर हरदम मेरे पुष्प राष्ट्र का खिलता है, चित्र हृदय में भारत माँ का दीप उसी का जलता है, गीत लिखूं बस इस माटी के गाऊं बस गाथा इसकी, इस धरती की करे खिलाफत वो ही मुझको खलता है, वो ही मुझको खलता है। और समय का सदुपयोग करते हुए मेरे गीत की कुछ कुछ पंक्तियां आई, मैं पढ़ूंगा। और मैं भारत की, भारत माँ की वंदना में मैंने एक गीत लिखा था, उसका सिर्फ प्रथम बंद ही मैं पढ़ता हूँ। निडर साहब कृपया अपना आशीर्वाद दें कि कुछ लिखने को जब भी कलम उठाता हूँ, कुछ लिखने को जब भी कलम उठाता हूँ, अक्षर अक्षर से मैं चित्र बनाता हूँ, तरह तरह के भाव जहन में आते हैं, छंद गीत कविता के हार बनाते हैं, बंद आंख के आगे तेरी सूरत है, मेरी हर रचना में तेरी मूरत है, मेरी लेखनी जो कुछ भी रच पाती है, एरनिश बस तेरी गाथा गाती है, शब्द सुमन के हार तुझी को अर्पित है, मेरा सब माँ भारत तुझे समर्पित है, मेरा सब माँ भारत तुझे समर्पित है, तुसने भाव ममता से हमें दुलारती, सारे जग से न्यारी है माँ भारती, सारे जग से न्यारी है माँ भारती। और इस माँ भारत का जितना भी हम गुणगान करें वो कम है। चार पंक्तियां मैं हमारे उन सैनिकों को जो सीमाओं पर डटे हुए हैं और आज जिनकी बदौलत हम सब ये जश्न आजादी की खुशियां मना रहे हैं कि जय हो जय हो जय हो भारत की सेना, जय हो जय हो जय हो भारत की सेना, इनके जज्बे के बारे में क्या कहना, सरहद के संकट तो खुद से लेती है, सरहद के संकट तो खुद से लेती है, कुदरत के तांडव से लोहा लेती है, लाखों प्राण बचाए रातों लगे रहे, अपने प्राण गंवा कर फिर भी जगे रहे, अपने प्राण गंवा कर फिर भी जगे रहे, इनके मन में अल्लाह है और राम है, इनके मन में अल्लाह है और राम है, हर भारतवासी का इन्हें सलाम है, कुर्बानी पर आंखों में जलाता है, यह किशोर वीरों को शीश नवाता है, यह किशोर वीरों को शीश नवाता है। और अभी रक्षाबंधन का त्योहार गया कविता जी, और हमारी तीन बहनें यहाँ पर विराजमान है, आपको समर्पित करता हुआ इन पंक्तियों से भी कैसे मैंने देशभक्ति निकालने की कोशिश की है कि राखी का मतलब रक्षा है तो वृक्षों के बांधो तुम, राखी का मतलब रक्षा है तो वृक्षों के बांधो तुम, वरना जंगल हो जाएंगे कल तक इस धरती से गुम, मूक परिंदों को से लाओ रक्षा के इन धागों से, आंखें टक को दूर भगाओ खग मृग बन के बागों से, ऐसी राखी रचो बंधु और खड़ा हिमालय मुस्काए, गंगोत्री पर बांधो राखी गंगा गदगद हो जाए, संकेतों में बांधो राखी झीलों और तलाओं को, सहलाओ धरती माता के दर्द भरे इन घावों को, तो 14 बरस विपिन में राखी रे बांधते रघुनंदन, कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंधन। और दादा कुछ पंक्तियां सुनिए, संजय भाई आपका स्नेह आशीष कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब आपस में बांधे राखी, धन कुबेर मुफलिस को बांधे भोली जनता को खाकी, आओ हम सब मिलकर बांधे लोकतंत्र को अब राखी, सैनिक सबसे पहले जाकर सरहद को बांधे राखी, तो विक्रेता क्रेता को बांधे वैद्य हकीम बीमारों को, आओ मिलकर राखी बांधे हम दुर्बल सरकारों को, मुल्ला पंडित मन से बांधे अल्लाह और भगवान को, संविधान को नेता बांधे मंत्री निज ईमान को, संविधान को नेता बांधे मंत्री निज ईमान को, तो निश्चित है राखी रोकेगी
माँ बहनों का वो क्रंदन कच्चे धागे में बांधा बहनों ने पक्का बंधन मन में मधु थाल में अक्षत। और मैं समझता हूँ इस समय में ही मैं अपना काव्य पाठ खत्म कर दूं। चार पंक्तियां भी जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए एक व्यंग लिखने की कोशिश की है। हमारे ब्रज से भाई सुरेंद्र सार्थक जी हैं। सुरेंद्र जी सुनिए, कोरोना कोविड 19 को मैंने इसमें लेते हुए मैंने देखा कि मंदिर सब अभी भी बंद पड़े हुए हैं कि मुख मास्क बांध आना जग में तू प्यारे कहना नहीं तो मुरारी कोरोना तुम्हें सताएगा। कि मुख मास्क बांध आना जग में तू प्यारे कहना नहीं तो मुरारी कोरोना तुम्हें सताएगा। सिंथेटिक दूध यहाँ शुद्ध नहीं कोई भाव माखन की ठोर क्रीम बटर तू पाएगा। तो यमुना में अब नीर शुद्ध नहीं जदुवीर बिस्लेरी कोक से ही काम चल पाएगा। और गोपियों के कानों में यहाँ भी तीन तीन गोपियां बैठी हुई है कि गोपियों के कानों में मोबाइल चिपक रहे बांसुरी की तान कान किस को सुनाएगा बांसुरी की तान कान किस को सुनाएगा। तो देशवासियों में एकता की लय हो दुश्मनों में खौफ हो भय हो फिर से बने विश्व गुरु भारत ये तय हो और जननी जन्मभूमि माँ भारती तेरी जय हो माँ भारती तेरी जय हो माँ भारती तेरी। शुक्रिया धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। राखी को राखी के मायने को आपने जहां तक पहुंचाया है आपने मास्क और कान्हा का जो जोड़ लगाया है और आपने लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता सब सब आपने इतनी सी मिनटों में बहुत कुछ सुनाया। धन्यवाद सर आपने तो समय बांध दिया जी और सब सबका बहुत बहुत आपकी उपस्थित से मुझे बहुत संबल मिला दादा बहुत बहुत प्रणाम। तो हमारे जो पहले कवि आए थे मैं उनको पुनः आमंत्रित करना चाहती हूँ अभिषेक अमर जी जो भरतपुर राजस्थान से आते हैं और मैं आशा करती हूँ कि उनके बैकग्राउंड का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो गया होगा और वे देश के अनेक राष्ट्रीय मंचों से आप काव्य पाठ कर चुके हैं आप संयोजक भी हैं आप संचालक भी हैं और साहित्यिक समीक्षक भी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अभिषेक अमर जी को। अभिषेक जी अभिषेक जी बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हम आप लोग हम आपको नहीं क्योंकि आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही ना। अभिषेक जी कहीं और चल ले जाइए जगह बदल लीजिए आप क्योंकि ये कार्यक्रम पूरे देश में सब जगह लाइव हो रहा है और आपके पीछे बैकग्राउंड की आवाज आपसे आवाज से ज्यादा है। कृपया कविता जी मेरा सुझाव है कि अभिषेक जी जगह बदलें तब जी, तक जी, हम जी। हमारे आगे वाले कवि जी अभिषेक जी आप जब जगह बदलेंगे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा ठीक है। मैं अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ अपने मंच पर। हमारे बीच कोलकाता से जुड़ी है मृदुला कोठारी जी मृदु नाम से आप लिखती हैं और आप विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं में विगत 30 वर्षों से सक्रिय हैं। आप हिंदी राजस्थानी में दोनों भाषाओं में आपने कई काव्य संग्रह और गीत और भक्ति गीत भजन चिंतन लेखन आदि किया है। तो मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ सिटी लाइफ के इस मंच पर। मृदुला कोठारी जी सबको नमस्ते नमस्कार। अच्छा आज देश की माटी को प्रणाम करती हूँ और अपनी सभी बहनों को प्रणाम करती हूँ सभी लेखकों की कलम धनियों की कलम के ऊपर एक कविता छोटी सी पढ़ रही हूँ पहले कलम पर क्योंकि माँ सरस्वती के हाथों में कलम ही सौंपती है और यहाँ तो हमारे उनके माँ के पुत्र भी बैठे हैं। तो कौन कहता है कलम निर्जीव है कौन कहता है कलम निर्जीव है चलती है फिरती है लिखती है तभी तो तुम्हारे मेरे और समस्त विश्व के दिलों को छू लेती है। कौन कहता है कलम निर्जीव है इसी कलम के बल पर ही हम आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं देश देश से अपने राजस्थान से और अपना परिचय मैं देती हूँ शब्दों द्वारा ही। वेद नहीं संवेदना को पढ़ा है वेद नहीं
संवेदना को पढ़ा है, संवेदना ने ही मेरे शब्दों को गढ़ा है। मानस की मशीन पर छपते हैं मासूम से अक्षर, मेरे सृजन का आकार इसी से ही बढ़ा है, मेरे सृजन का आकार इसी से ही बढ़ा है। और अब भारत माँ की स्तुति के लिए कुछ लिखा है, वो आपके सामने। भारत माँ के चरणों में नित, भारत माँ के चरणों में नित शत शत वंदन करते हैं। उन्नत भाल हिमालय चोटियों का अभिनंदन करते हैं, उन्नत भाल हिमालय चोटियों का अभिनंदन करते हैं। भारत माँ के चरणों में सिंदूर किरणों से रंगोली निस्बिन करता है सूरज, सिंदूरी किरणों से रंगोली करता है निस दिन सूरज। अमल धवल हिम कण उड़ कर नित लेते हैं माँ की पदरज, अमल धवल हिम कण उड़ कर नित लेते हैं माँ की पदरज। थाल रजत से चांद सितारे, थाल रजत से चांद सितारे टीका चंदन करते हैं, उन्नत भाल हिमाल चोटियों का अभिनंदन करते हैं। भारत माँ के चरणों में नित शत शत वंदन करते हैं, उन्नत भाल हिमाल चोटियों अभिनंदन करती। और एक अब जब भारत पर हिमालय तक चले गए तो वहां तिरंगा फहराने की भी मेरे मन में आ गई, उसको सलाम करती हूँ। है तिरंगा शान अपनी, है तिरंगा आन अपनी, है तिरंगा शान अपनी, है तिरंगा आन अपनी, इस तिरंगे के भारत की ये अमानत, ये तिरंगा रहे सलामत, भारत की ये अमानत मृदुन मन करती है इसको, इससे है पहचान अपनी, मृदुन मन करती है इसको, मृदु इससे है पहचान अपनी। श्वेत रंग शांति फैलाए, सिंदूरी ऊर्जा बढ़ाए, श्वेत रंग शांति फैलाए, सिंदूरी ऊर्जा बढ़ाए, चक्र है सर ताज अपना, रंग हरा मुस्कान अपनी, चक्र है सर ताज अपना, रंग हरा मुस्कान अपनी, है तिरंगा शान अपनी, है तिरंगा आन अपनी। और अब मैं एक राजस्थानी में कारगिल वासियों के लिए, जब कारगिल में शहीदता हुई तो एक छोटा सा गीत सुनाना चाहती हूँ, अगर टाइम है, अभी मैंने नोट कर लिया था। रणवीर बांकुड़ा सेनानी सने सत सत करा प्रणाम, रणवीर बांकुड़ा सेलानी तन सत सत करा प्रणाम, मायड़री छाती की चौड़ी देतियो दान बलि, देतियो प्राण बलिदान, कश्मीर केसरी री खातिर कुकू सुबहायो खून, कश्मीर केसरी री खातिर कुकू सुबहायो खून, सिर पर गोली भी यूं छेड़ी जन तिलक लगायो सून, केसरिया खूटी तान
सो गयो भारत मारो लाल, केसरिया खूटी तान, सो गयो भारत मारो लाल, रणवीर बांकुड़ा सैलानी, के छोड़ा है पर नोड़ी ने कोई छोड़ा मायर बाप, नाना सा बालकिया छोड़ा, छोड़ा सब घर का ठाट, भूला नहीं थारी कहानी, थारा चढ़ल लगावा भाल, भूला नहीं थारी कहानी, थारा चरण लगावा भाल, मायड़री छाती की चौड़ी, दे दियो प्राण बलिदान, होली दिवाली कर छोड़ा, सीमा पर रया टटोड़ा, होली दिवाली घर छोड़ा, सीमा पर रया टटोड़ा, आजादी री खातिर वीरा, टुकड़ी में रया बटोड़ा, इन भारत मारे बेटा ने मैं झुक झुक करा प्रणाम, इन भारत मारे बेटा ने मैं झुक झुक करा प्रणाम, मायड़ी छाती की चौड़ी, दे दियो प्राण बलिदान, रणवीर बांकुड़ा सैलानी, थने सत सत करा प्रणाम, थने सत सत करा प्रणाम। बहुत खूब, बहुत खूब मृदुला जी ने आपने तो बहुत ही सुंदर समा बांधी है, और वीरों को, जाबाजों को, रणवीरों को, रणबांकुरों को सलाम भेजा है। और मैं महसूस कर रही हूँ कि काव्य रसिक जो है, श्रोतागण और दर्शकगण, उनकी उपस्थिति मैं महसूस कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पे देखना संभव नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि यह जो शाम सजी है यह बहुत ही श्रोताओं और दर्शकों से भरपूर और समृद्ध है। मैं हमारे बीच जो अगले व्यंग्यकार डी भरतपुर से पधारे हैं, सुरेंद्र सार्थक जी, एक ख्यातनाम व्यंग्यकार हैं, और आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य की संप्रति में हैं, और वर्तमान में आप राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की मुख्य पत्रिका ब्रज शतदल का भी सह संपादक कर रहे हैं, तथा श्री हिंदी पुस्तकालय समिति दिग्दक का कार्यक्रम संयोजक भी हैं आप। सन 1995 से हिंदी कवि सम्मेलनों में आपकी सहभागिता रही है, और अब अधिक लंबा परिचय पढ़ने के बजाय मैं चाहूंगी कि हम आप ही को सुने। तो सुरेंद्र सार्थक जी, डी भरतपुर से व्यंग्यकार, आपका मंच पर स्वागत है। सभी को नमस्कार करता हूं। चार पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। शहीदों का जला दीपक कहीं ना मंद हो जाए, शहीदों का जला दीपक कहीं ना मंद हो जाए, उजाला ज्ञान का फैले यहां आनंद हो जाए, अगर भगवान मिल जाएं कहें वरदान तुम मांगो, प्रभु इस देश का बासी विवेकानंद हो जाए, प्रभु इस देश का बासी विवेकानंद हो जाए। और मैं, आजादी का पर्व है तो आजादी की एक महानायिका महारानी झांसी पर एक कविता प्रस्तुत करता हूं। कितनी बार पढ़ी है मैंने गाथा झांसी रानी की, कितनी बार पढ़ी है मैंने गाथा झांसी रानी की, कितनी बार रुला देती हैं कुछ यादें महारानी की, कितनी बार रुला देती हैं कुछ यादें महारानी की, कविता ने भी मुझे बिठाया उस देवी के चरणों में, और पढ़ा है खूब सुभद्रा के ऊंचे उद्धरणों में, जिस नाले के पास क्रांति का घोड़ा आकर खड़ा हुआ, और किले की प्राचीरों में जिसका बचपन बड़ा हुआ, जिस जिस पत्थर पर रानी के पावन चरण पड़े होंगे उनकी परतों को देखो कितने इतिहास जड़े होंगे, जिस जिस पत्थर पर रानी के पावन चरण पड़े होंगे उनकी परतों को देखो कितने इतिहास जड़े होंगे, मैंने उन सब को पूजा है अपनी आंखों के जल से, मैंने उन सबको पूजा है अपनी आंखों के जल से, वे काले पत्थर भी लगते धवल हिमालय उज्जवल से, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं अब तक समझ नहीं पाया,
और प्रकृति का नियम हमारी बिल्कुल समझ नहीं आया। श्री राम को रास्ता देने सागर जब झुक सकता था, श्री राम को रास्ता देने सागर जब झुक सकता था और पार्थ के लिए सूर्य जब दिन में ही छुप सकता था, उस दिन भी तो नाले तेरे पास भवानी खड़ी हुई, रास्ता मांग रही थी तेरे दर पर आकर पड़ी हुई। उस दिन भी तो नाले तेरे पास भवानी खड़ी हुई, रास्ता मांग रही थी तेरे दर पर आकर पड़ी हुई, पल दो पल को तूने अपना पानी सोख लिया होता, पल दो पल को तूने अपना पानी सोख लिया होता और कहीं रानी की खातिर दुश्मन रोक लिया होता तो तू शायद गंगा से भी ज्यादा बड़ा बना होता, तो तू शायद गंगा से भी ज्यादा बड़ा बना होता और गुलामी अधिक दिनों तक अपना देश नहीं ढोता। चलिए साहब, नाला कुछ नहीं कर पाया तो संसार में दो घोड़ों के सामने ये परिस्थितियां आई। एक घोड़ा था महाराणा क्या था, लेकिन शायद ही कोई बच्चा गया था। पहलवानी करने जाता है तो बजरंग बली होते हैं, अगर जर लिया होता तो मेरा दावा है। उस दिन घोड़े ने थोड़ी सी हिम्मत, घोड़े से डर को त्याग दिया होता, पार लगा देता तो जो बड़ी बेशर्मी के साथ ये हम नहीं मानते। 23 वर्ष इन चाइल्ड कैरियिंग के फ्रेज नहीं है, ये सुविधाएं मत दो, किसी विकलांग को सुविधाएं मत दो, लेकिन चाइल्ड मदर दुनिया में कौन है। गोरों से भी है मेरी शिष्टाचारों की दुनिया, भीड़ भले हो बस में उसे जगह पर मिल जाता, प्यासा चिपका और सधा रहता, माँ होगी बच्चा ले जाने वाली कैसे उस पर, और नेहत्थे माँ बेटे पर अपना हाथ छोड़ ज्योति जलाकर ज्योति जगत से चली। बहुत खूब आपने जो रचना और एक कहानी सी रच दी आपने। हम ऑनलाइन के समय में हैं और हम आपने अपने कमरे में कैद में, तो बिल्कुल हम सभी खो गए थे। कोटा की धरती से आते हैं और महानगर मुंबई के एक बड़े मंच जनता की पुकार से काफी पत्रकार